व्हाट इज अप गेमर्स, सेलेनाइट हियर। और गाइस आज मैं वापस आ गया हूँ मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड में। और गाइस आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं हॉर्स एडवेंचर। और हाँ, मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे नेम टैग्स मिले थे तो मैं मेरे सारे पेट्स को नेम भी देने वाला हूँ। सो या आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस आज के इस वीडियो का लाइक है मैं 1000 लाइक्स, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, तो जाओ फटाफट करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। सो गाइस फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते। और ये मेरा नेदर पोर्टल बहुत ही खतरनाक दिखने वाला। मैं फटाफट से ऊपर जाता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने सारे के सारे नेम टैग्स रखे और मेरे सारे के सारे पेट्स इधर ही है, देखो गाइस। सो गाइस मेरे डॉग का नाम ना मैं कुछ तो चैम्प रखने का सोच रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर चैम्प बहुत ही ज्यादा सही लगेगा नाम। और गाइस ये मेरी कैट सबसे फर्स्ट कैट थी तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा पता है क्या? मैं इसका नाम किट कैट रखूंगा, ओके। और या मेरा घोड़े का नाम ना मैंने सोचा है और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने लास्ट वीडियो में कितना सारा सामान जमा किया था और मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन बैठ के थोड़ी सी माइनिंग की, तो आप देख सकते हो मुझे रेडस्टोन डस्ट या लापिस लाजुली वगैरह मिल गया है। तो यहाँ फटाफट से नेम टैग्स ले लेता हूँ। और गाइस आप देख सकते हो मैंने उधर एनविल भी बना लिया है। और हाँ, अभी हम लोग करने वाले थोड़ा सा काम झाम। सो अभी मैं अपना एक नेम टैग इधर रखता हूँ। और ना मैं मेरे हॉर्स का नाम क्या रखने वाला हूँ गाइस पता है क्या आपको? मैं मेरे हॉर्स का नाम रखने वाला हूँ तूफान। सो गाइस तूफान नाम मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में क्योंकि मेरा घोड़ा तूफान की स्पीड से दौड़ने वाला है। सो या मैं मेरे घोड़े का नाम रखने वाला हूँ तूफान और ये बहुत ज्यादा सही लगने वाला है। और अभी हम लोग अपने डॉग का नाम रखते, तो मैंने सोचा है मेरे डॉग का नाम मैं चैंप रखूंगा। तो मुझे पर्सनली चैंप नाम बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है मेरे डॉगी के लिए। और अभी मैं मेरे कैट का नामकरण भी कर देता हूँ, इतना कर लिया है तो। सो मैं मेरे कैट को नाम देने वाला हूँ किट कैट। भाई साहब मतलब राइम कर रहा है यार ये नेम, इसलिए मुझे लग रहा है ये अच्छा रहेगा मुझे मेरे कैट के लिए। सो मैंने ये सारे नेम्स ले लिए और अभी मैं ना इनको बाहर निकाल लेता हूँ। सो सबसे पहले ना गाइज मैं मेरे हॉर्स को ही नाम देने वाला हूँ। और गाइज अभी आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने लास्ट वीडियो में ये वाले हॉर्स को टेम किया था और मैंने ऑफलाइन ना ये दोनों जो घोड़े थे ना उधर उन लोगों को भी लाके इधर खड़ा कर लिया बैकअप के लिए मेरे। अगर गलती से इसे कुछ हो जाता है तो मैं एटलीस्ट इनकी हेल्प से इसे बचा पाऊँ। सो अभी मैं इसको नाम देने वाला हूँ तूफान। ब्रो तू बहुत ज्यादा लकी है, ओके भाई। मुंह क्यों फेर रहा है मेरे से? ले तुझे नाम दे दिया तूफान। ब्रो अभी तेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि तू तूफान का देवता है, ओके। और गाइस मैं तूफान को बहुत ही बड़ा वाला गिफ्ट देने वाला हूँ। सो या फटाफट से इसको गिफ्ट दे देता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा वो गिफ्ट को देख के। सो गाइस हमें लास्ट वीडियो में सैडल मिला था और एक गोल्डन हॉर्स आर्मर मिला था। सो या ये चीजें मैं मेरे हॉर्स को गिफ्ट करने वाला हूँ। और या हम लोग बाद में हमारे डॉगी और बिल्ली को भी नेम दे देंगे। सो मैं फटाफट ना अपने ये सैडल और ये हॉर्स आर्मर निकाल लेता हूँ। ब्रो तुझे तेरी सैडल और अपना हॉर्स आर्मर मिलने वाला है। ब्रो बहुत ज्यादा लकी है तू। सो या मैं फटाफट इसकी सैडल इसको पहना देता हूँ और इसका हॉर्स आर्मर। और भाई अभी देखते ये कैसा लग रहा है देखने में। ओ भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है यार देखने में विद द गोल्डन हॉर्स आर्मर। भाई साहब तुझे सबसे पहले दिन पे इतना खतरनाक तोहफा दिया है, ओके। तुझे बहुत ज्यादा ईमानदार रहना है। सो गाइस अभी मैं फटाफट से ना मेरे डॉगी को भी नेम दे देता हूँ उसका। सो ये नेम तो मेरे बिल्ली का है। ओए तुझे सबसे पहला नाम मिलने वाला है इन कैट फैमिली। सो या ये तेरा नाम है किट कैट और मैं मेरा डॉगी का नाम भी ले लेता हूँ। और ब्रो यू आर माई चैंपियन। सो इसका नाम मैंने चैंप रख दिया। सो गाइस आज की इस वीडियो में ना हम लोग फटाफट से ना सो जाते हैं सबसे पहले। भाई रात हो रही है, वीडियो के स्टार्टिंग में रात हो रही है, मतलब मजाक चल रहा है। ओ भाई नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। सो मैं फटाफट सबसे पहले सो जाता हूँ सबसे पहला काम। और हम लोग सुबह उठते ही हम लोग एक एडवेंचर पे जाने वाले हैं क्योंकि मेरे घर के पीछे एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी है और वो पहाड़ी के ऊपर मुझे बर्फ दिख रही थी। और सबसे पहले मैं मेरे डॉगी को खाना दे देता हूँ, ओके। इसका पेट भरा हुआ है, ओके लेट्स गो। सो सबसे पहले मैं मेरे घोड़े को अनप्लग करता हूँ इसके इसके ऊपर से। और ना रुको मुझे ना ये लेके जाना पड़ेगा ये फेंस, कभी जरूरत पड़ सकती है इसके बाद में। सो या ये लीड और मैं फेंस लेके ही जाऊंगा। और भाई एडवेंचर के लिए तैयार है तूफान? लेट्स गो एन एडवेंचर। भाई साहब ये देखने में बहुत ज्यादा सही लगने वाले, रुको हम लोग बाहर इसको चेकआउट करते। भाई साहब हम लोग देखने में कितने सही लग रहे हैं यार साथ में, तूफान और साइलेंट नाइट साथ में निकले एडवेंचर पे। भाई साहब बहुत सही लग रहा है ये नाम सुनने में। और गाइस आप इसको देख सकते हो इसके हार्ट्स 3 हार्ट्स है इसके पास, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डैमेज सहन कर सकता है। और गाइस आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा फास्ट है भागने में। सो यार मुझे तो मेरा हॉर्स बहुत ज्यादा पसंद आया। और गाइस आप देख सकते हो मेरे घर के पीछे इतनी बड़ी पहाड़ी है। भाई साहब इस पहाड़ी पे मुझे बहुत ज्यादा स्नो मिलने वाली है यार, मुझे स्नो चाहिए अभी, बहुत ज्यादा डेस्परेट हूँ मैं स्नो के लिए। सो फटाफट जाके हम लोग इस पहाड़ी पे स्नो कलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो इधर रास्ता भी है। सो या लेट्स गो, ओके ओके इधर से ऊपर चढ़ो फटाफट, चढ़ जा तूफान, यू कैन डू इट। और गाइज मैं बर्फ में आ गया फाइनली। भाई साहब इतने दूर तो लेके आ गया मुझे तूफान, इतने
इजीली यार, मतलब नहीं तो इतना दूर आने के लिए मुझे कितना टाइम लगता। सो फटाफट से ये स्नो जमा कर लेता हूँ यार, सबसे पहली स्नो मिलने वाली, एडवांसमेंट में मिल रही है मेरे फटाफट। सो लो फटाफट ये सारी की सारी स्नो। ए तूफान किधर जा मत, ओके तू इधर ही रहे, मैं थोड़ा सा बर्फ जमा कर रहा हूँ, बाद में हम लोग साथ में खेलेंगे ओके। सो या और हम लोग देखेंगे हम लोग को कोई ट्रेजर वगैरह मिलता है या नहीं, आजू बाजू हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो नो वरीज ओके। और गाइज हम लोग थोड़ा सा ऊपर से देखते कुछ आ गया एडवेंचरस करने के लिए, कुछ दिख रहा है क्या? वो उधर आग क्यों लगी पड़ी है? आप लोग देख सकते हो गाइज उधर आग लगी पड़ी है जंगल में। रुको हम लोग चेक करके आएंगे उधर क्या है। तूफान हम लोग को अपने जंगल को जलने से बचाना है ओके, तो फटाफट से चल हम लोग को आग बुझानी है वो वाली ओके। तूफान ने विदाउट टेकिंग एनी डैमेज फटाफट आ रहा है, तूफान मेरे को लेके जा रहा है आग की तरफ। हम लोग फायर ब्रिगेड का काम करने वाले इन माइनक्राफ्ट। सो यार लेट्स गो। ओ भाई इधर आग क्यों? ओ भाई भाई गाइस ये क्या है? अरे यार ये तो रुविन नेदर पोर्टल है। ओके फटाफट से ना मैं इसको इधर बंद कर देता हूँ। भाई तू रुक, तेरे को इधर जलना नहीं, तू इधर आ। तूफान तूफान इधर आ। अरे तूफान अंदर मत जा, उधर लावा है भाई। किधर जा रहा है तू? इधर रह खड़ा आराम से मस्त, तेरे को कोई टेंशन नहीं मांगता अपने को भाई साहब। ओ ये आग को बुझाओ सबसे पहले, और ये लावा के अंदर रुको, ब्लॉक को डालने दो भाई, लावा से पंगे नहीं लेने यार, मेरा तूफान जल गया गलती से तो। और ये आग को बुझाने दो, रुको भाई ये आग जंगल को पूरे जला देगी, मेरे को वुड नहीं मिलेगा बाद में। सो आग को तो बुझा दिया, और ये सारे के सारा मैग्मा ब्लॉक्स लेके जाने वाला हूँ। अरे भाई 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 मैं नीचे गिर गया गलती से, लॉल। सो फटाफट से ऊपर निकल लेता हूँ भाई साहब। तूफान को गलती से भी कुछ भी हो जाता नहीं इस नेदर पोर्टल की वजह से, मैं टीएनटी लाके इसको फोड़ देता पूरा का पूरा। अभी फटाफट से ना थोड़े से मैग्मा ब्लॉक्स इधर पड़े तो इनको कलेक्ट कर लेता हूँ, अपने काम में आएंगे बाद में। और गाइस इधर एक चेस्ट भी पड़ी है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। सो शैल वी डू इट? सो लेट्स गो। ओ भाई साहब गोल्डन चेस्ट प्लेट मिली मेरे को, प्रोटेक्शन 4 वाली ओके, डायमंड हॉर्स आर्मर। भाई साहब मेरे हॉर्सेस बहुत ज्यादा लकी होने वाले, और एक डायमंड भी मिला मेरे को, लेट्स गो। ये क्लॉक मिल गई, और एक सैडल मिला मेरे को भाई साहब, 29 आयरन नगेट्स मिले, और एक फ्लिंट एंड स्टील भी है। और ये पिकेक्स में क्या है? इफिशियंसी 4 भाई साहब, मैं इनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। और भाई गोल्डन शवल मिला मेरे को जिसमें सिल्क टच लगा है भाई साहब, लेट्स गो बॉय। इतनी सही लूट मिली मेरे को। और ये एडवांसमेंट मेरे को किस चीज की मिली? आयरन की नहीं, मेरे को आयरन नगेट्स की एडवांसमेंट मिली ओके। मेरे को लगा मेरे को आयरन कब का मिल गया, मेरे को अभी एडवांसमेंट क्यों मिल रही है, और मैं एक गड्ढे में क्यों गिर रहा हूँ बार बार। सो या मैं फटाफट से मैग्मा ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ। सो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिल्क टच का पावर। सो गाइज अभी आप देख सकते हो इधर ये ग्रास ब्लॉक है। अभी मैं इधर ये ग्रास ब्लॉक को माइन करूंगा ना, तो मुझे पूरा का पूरा ग्रास ब्लॉक मिलने वाला है। सो लेट्स माइन इट। सो गाइज अभी आप देख सकते हो मुझे ग्रास ब्लॉक मिला, ना कि ये डर्ट मिली जैसे मैं रैंडमली मेरे नॉर्मल शवल से माइन करता तो मुझे डर्ट मिलती जैसे आप देख सकते हो। और अभी मैंने सिल्क टच से इसको माइन किया तो मुझे ग्रास ब्लॉक मिला। और गाइज मुझे ये सिल्क टच बहुत ज्यादा संभाल के यूज करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक ग्रास ब्लॉक माइन किया और इसकी हेल्थ इतनी चली गई। और गाइज हमारा हॉर्स एडवेंचर बहुत ही ज्यादा सही गया यार, सबसे पहले हॉर्स एडवेंचर पे मुझे इतनी सही लूट मिली भाई साहब। डायमंड हॉर्स आर्मर आप देख सकते हो, और एक डायमंड मिला मेरे को, फिर एक मुझे गोल्डन सॉर्ड मिली जिसमें फायर एस्पेक्ट 2 लगा है, तो मैं किसी भी जानवर जैसे भी मारूंगा ना तो मुझे डायरेक्ट कुक मीट मिलेगा, और मुझे बाद में उसको कुक करने की जरूरत ही नहीं। और मुझे एक सैडल भी मिल गई। सो यार ये लूट बहुत ज्यादा सही थी। सो यार अभी मैं घर पे निकल रहा हूँ। सो मैंने मेरा सामान सारा कलेक्ट कर लिया, अभी मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। भाई साहब इतनी सही लूट मिली यार, डायमंड हॉर्स आर्मर मिल गया मेरे को सबसे पहले हॉर्स एडवेंचर पे। और भाई तेरे को इतनी जगह क्यों लग रही, निकल फटाफट भाई घर पे जाते। तूफान तेरे को बहुत बड़ा वाला गिफ्ट मिलने वाला है सबसे पहले दिन पे यार, डायमंड हॉर्स आर्मर मिला तेरी वजह से मुझे। ओ भाई लेट्स गो। भाई तूफान चढ़ जा, क्या कर रहा है? अरे भाई इधर इतनी बड़ी, भाई 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 अरे नीचे मत गिर तूफान, हम लोग को घर पे निकलना है। फटाफट निकलता हूँ घर पे तूफान को लेके। भाई रात हो रही है, रात हो रही है, निकलो निकलो फटाफट। तूफान तू किधर जा रहा है? आजा 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 आजा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तेरा मालिक है तेरे प्रोटेक्शन के लिए, और तेरा आर्मर भी तेरे को गिफ्ट इसलिए दिया था मैंने। ओ भाई इधर और एक घोड़ा है। ओ भाई मेरा घर दिख रहा है मुझे, मैं फंस क्यों रहा हूँ? आगे क्रीपर था भाई, निकलो, क्रीपर था यार आगे, और ये इधर फंसा रहा है मेरे को। भाई निकल निकल तूफान। ओ भाई क्रीपर वगैरह इतने सारे स्केलेटन्स वगैरह खड़े, इधर निकलो फटाफट। भाई साहब मेरा एरिया कितना ज्यादा सही लगता है, मैंने इतने सारे टॉर्चेस लगा दिए ना, आजू बाजू क्रीपर वगैरह स्पॉन ही नहीं होते मेरे घर के आजू बाजू, इतने सारे टॉर्चेस है। सो यार मैं मेरे घर पे आ गया बहुत ही ज्यादा सेफली। अभी तूफान को इधर पार्क कर देता हूँ अच्छे से। ओए तू आ इधर रुक, और मैं फटक से ना जाके सो जाता हूँ, और बाद में हम लोग सुबह उठते हैं अपने तूफान को बहुत ही बड़ा वाला गिफ्ट देने वाले, या डायमंड हॉर्स आर्मर। भाई सब बहुत ही सही एडवेंचर था यार सबसे पहले दिन पे। मेरे लिए इतनी खास चीज नहीं मिली मुझे, बट मेरे हॉर्स के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा सही चीज मिली।
और गाइस ये मेरा चैम्प और ये मेरी किटकैट, तो चैम्प को भूख लगी है तो इसको खाना दे देता हूँ। और यार इसके लिए मेरे पास फिशेस है क्या? रुको देखना पड़ेगा, मेरे पास फिश थी यार नीचे चेस्ट में पड़ी रहेंगी, तो बाद में उसको भी खिला दूंगा। और गाइस तूफान के लिए मेरे पास बहुत बड़ा वाला गिफ्ट है, सो या मैं अभी तूफान को डायमंड हॉर्स आर्मर गिफ्ट करने वाला हूँ। सो या तूफान, आर यू रेडी फॉर योर डायमंड हॉर्स आर्मर? भाई साहब कितना सही लग रहा है यार तूफान, तू देखने में लेजेंडरी हॉर्स लग रहा है यार तूफान तू। और रुको 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 ये, और तूफान को भी खाना खिलाना था यार, उसको उसकी भी हेल्थ गई है थोड़ी सी, सो उसको भी फटाक से खाना दे देता हूँ। भाई साहब गलती से इसको कुछ हो ना जाए बाद में। खाना का खाना का, ओके तूफान खाना खा रहा है अभी, लग रहा है इसकी हेल्थ फुल हो गई रहेगी मुझे, सो यार चेक करता हूँ। ओके गाइस अपने तूफान की भी हेल्थ फुल हो गई है अपने फुल ऑन, और ऊपर किटकैट पड़ी है उसको भी दे देता हूँ खाना, उसका थोड़ा फिश दे देता हूँ रॉकॉर्ड। तेरे को भूख लगी है? ले खाना खा तू। और चाहिए क्या? नहीं और नहीं चाहिए, ओके। सो गाइज यार तूफान को तो बहुत ज्यादा सही गिफ्ट मिला, और गाइज ये वाले हॉर्स को ना मैं गोल्डन हॉर्स आर्मर गिफ्ट कर देता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा काम करेगा बाद में। सो गाइज और मुझे एक सैडल भी मिला था ना भाई साहब, मैंने सैडल किधर रखा वो? और गाइज जिधर से मुझे ये डायमंड हॉर्स आर्मर मिला उधर से मुझे एक और सैडल मिल गया था, सो मैं ये वाले घोड़े को ये वाला सैडल दे देता हूँ। सो गाइज अपना ये वाला भी घोड़ा फुल तैयार हो गया एडवेंचर के लिए। सो कभी गलती से भी मेरे तूफान पे कोई खतरा आया, वैसे तूफान पे कोई खतरा आना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसके साथ मैं रहता हूँ हर वक्त, सो या गलती से भी इस पे कोई खतरा आया तो हम लोग इसको बचाने के लिए अपने इस हॉर्स की हेल्प लेंगे। सो इसको भी हम लोग धीरे धीरे नाम देंगे जैसे हम लोग को ज्यादा नेम टैग्स मिलेंगे। और गाइज हम लोग आने वाली वीडियो में ना हमारे हॉर्सेस के लिए एक बड़ा वाला घर भी बनाएंगे जिधर मैं अपने हॉर्सेस को रखूंगा बहुत ही अच्छे से। सो या गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो? अंटिल देन स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय, सायोनारा, बाय बाय गाइज।